अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आज भी। तो गाइस, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जिमी के लिए गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो फाइनली मुझे एक गाड़ी मिली है, होंडा की बॉन्ड। उस पर थोड़ा लिवरीज वगैरह काम हुआ पड़ा, थोड़ी मॉडिफिकेशन हैं उसमें, तो वो देखने जानी है। अभी जिमी को देखते हैं कहाँ पर अभी अपनी गाड़ी पार्क कर लें। हमने नंबर वगैरह भी लगवा लिया, इस पर देख सकते हैं पंजाब का माइकल डी सेंटर MDS। तो हम जिमी को देखने जा रहे हैं। हाँ, ये आपको बताना था, हमने रिम ना गोल्ड करवा ली है, और इसके जो ब्रेक्स कैलिपर्स हैं वो भी हमने रेड करवा लिए। चलो अब हम अंदर चलते हैं और उस जिमी को देखते हैं क्या हाल चाल है उसके और क्या उसको चाहिए। अभी भी गुस्सा है मेरे से, देखते हैं। वो देखो गेमें खेल रहे हैं। आ जाए, गाड़ी लेने चले हैं। नहीं पापा, मैंने नहीं आना, आप जाए इधर से। तो साइड पे आते हैं, गेम खेलने दे मुझे। ये देखो कितनी, क्या पता नहीं क्या, इतनी बढ़िया सी डील आ गई इसको गेम में खेलने। और उसका कमरा भी देखो कितना गंदे। चलो हम चलते हैं अपनी रिपेल का और डी पर फरारी हम देखने जाएंगे। ये देखो इस गाड़ी को भी देखा, मैं ठुड्डे मार के मारूँ इसको। मैं भी सोचा कुछ नई गाड़ी दोबारा ले लें। वो अब हम डेली तो चला नहीं सकते, हम करोला शरोला देखते हैं। वहाँ पर ट्रेसी की गाड़ी है, मैंटा की भी गाड़ी है, उनको भी शायद नई है गाड़ी ले ही दें, सोच रहे हैं। चलो हम चलते हैं वहाँ पर, पहले आप लोकेशन सेट कर लें। ये यहाँ पर चलो जी, मुझे गाड़ी ये वाली बहुत पसंद है, पर ना इसकी ओरिजिनल ऑडी वाली लुक नहीं है। वैसे गाड़ी अच्छी है ये वाली भी, इसको भी थोड़ा मोटे कराते हैं या ये चेंज करवाते हैं, क्या ख्याल है आपको? क्या करवाएं, चेंज करवाएं या नहीं ले लें? ओए ध्यान से, एक तो ये गाड़ी संभलती भी नहीं है ना, चलाता ही नहीं उतनी ना, फरारी चलाने आती है मुझे, वैसे ले ली है। ये कितने फ्लेम्स मार रही है, लगता है इसमें थोड़ा इंजन का काम शाम होने वाला है। ये काम पर इसका, ये तो यहाँ पहाड़ में मोड़ नहीं समझ आते कहाँ पर होते हैं। टर्न जी बहुत बुरे हैं यहाँ पर, ये पहुंच गया हम बस। बस थोड़ा सा ही रह गए, बस आ गए। वो लग गई, वो पहचान लग गई, फिर से लग गई। सॉरी गाड़ी, मैंने फिर से मारी गाड़ी, ये कलाई तो वैसे बहुत सो चुकी है। वो रुबान खड़ी वहां पर, यहाँ जैसे आपको बताया था लिवरीज वगैरह लगी हुई है उस पर, मॉडिफाई वगैरह है कहते हैं, रीजनल पेंट नीचे ओरिजिनल ही है। आप दरवाजे वगैरह खोल के देख सकते हैं, पेंट नीचे ओरिजिनल ही है। जो मैंने अपने फरारी का रैप कराया उसमें मैंने दरवाजे के अंदर भी मैंने रैप लगवाया ताकि पता ना चले पेंट ना खराब हो। ये आप रिबॉन दे सकते हैं, काफ़ी साफ सुथरी है। वैसे क्या इसकी मॉडिफिकेशन इतनी नहीं हो सकती क्योंकि ये रिसेंटली बनी है, इसकी म्यूगन शुगन की बॉडी किट वो नहीं हम लगवा सकते। अब चेक करें नीचे से, कलर रेड कलर है, देखते हैं। गवर्नमेंट का नंबर लगा हुआ है, चेंज करवा लेंगे, जिमी के नाम करवाएंगे हम। उसको फ़ोन करता हूँ मैं, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? चलो आओ भाईजान बैठो, ये इसमें टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं। जी, भाई ले लो मैं। तो भाईजान इसका, जैसे आपने ऐड लगाई थी कि आपने 15 की देनी है, तो फाइनल कितना करेंगे? क्योंकि मुझे तो समझ आया, गाड़ी देख रहा हूँ मैं, गाड़ी भी अच्छी है, साफ है। देख लो भाई, आप कितने देंगे? मैंने तो 15 की ऐड लगाई थी। यार इस तरह करो फिर, 13 13 मैक्सिमम कर लो, उसके ज़्यादा नहीं 13, क्योंकि लिबरीज वगैरह लगे हैं, मुझे पेंट की टेंशन है। बाकी भाई जान, पेंट की कोई टेंशन नहीं है, पेंट बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं। तो है मैं वो देख लूँगा,
नहीं, पहले इसकी टेस्ट ड्राइव तो ले लें कि इस तरह की है। वैसे गाड़ी चलने में सही है, गाड़ी साफ भी है। गाड़ी जी जी भाई, गाड़ी बिल्कुल साफ है, आप दे सकते हैं इसको। यहाँ देख लें, हुड वगैरह नीचे रेड पेंट है। हाँ जी भाई, नीचे रेड पेंट सब कुछ नज़र आ रही है, देखें रेड पेंट, सीटें भी टाइप आर की लगी हुई हैं। भाई, क्या ये गाड़ी फुल मॉडिफाइड है, इसको हमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, मेरे बेटे को सही गाड़ी में पसंद है, चलो उसके दे चॉइस भी इस तरह की है। मैं कहता हूँ गाड़ी अच्छी तरह देख लो, गाड़ी तो वैसे बिल्कुल साफ और नीचे भी पेंट लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम गए थे नहीं हुई ना। नहीं भाई, ये बिल्कुल साफ है, गाड़ी चला ही नहीं दे सकते आप, सिर्फ 100 किलोमीटर चली है। हाँ वो तो मैंने देख लिया, चले आए हैं पेपर वगैरह साइन करते हैं इसके। ये तो आपका घर पता नहीं किसने यहाँ पर बनाया, गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पर पता नहीं कैसे, चले आ जाएं। जी भाई आ लो। चलो गाड़ी हमने ना पेपर वगैरह साइन कर लिए हैं, अब हम गाड़ी लेकर चलते हैं। वो हमारी ऑडी जो भी है उसका नाम है, रिपेयर का जो कह रहे हैं, वो हमारा ड्राइवर लेकर आ जाएगा, जैसे कल लेकर आया, वो थका ही बहुत है, उसको फ़ोन कर देंगे हम, वो ले जाएगा। चलो हम ये लेकर चलते हैं, गाड़ी तो बस अच्छी है जी। मेरे को दुआ करो पसंद आ जाए उसकी, मैं बताया तो नहीं अभी उसका मैं लेने जा रहा हूँ, दुआ करो खुश हो जाए बस। वो देखो यार लाइट वगैरह हर चीज़ अच्छी तरह चल रही है, इंडिकेटर्स भी। एक तो हमारे GPS बिल्कुल फारिग तरीन। चलो हम जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि रात का टाइम और खाना है भी खाना है। वो शो कर बच गई मैंने, उसने मुझे नहीं छोड़ना था। गाड़ी तो वैसे पिक में अच्छी है, मेरे से तो ऑडियो पिक अच्छी है, इसकी एक्सप्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छी है। चलो हम जल्दी जल्दी से घर चलते हैं, जिमी को हम दिखाते हैं इसकी गाड़ी। वो अभी तक मेरा खेल गेम ही खेलना हूँ, उसको और क्या काम है। ट्रेसी मेरा खेल, ओ बच गई गाड़ी, बच गई अभी लग जाएंगे दोबारा। चलो खैर रहा भी है, अब रहा पर स्क्रैच वगैरह आएगा, नीचे से साफ निकलेगी। दिखाएंगे अब अगली वीडियो में आपको इसकी अनरैपिंग मॉडिफिकेशन थोड़ी करवाएंगे इसकी, कितने बम्पर शम्पर तो लग नहीं सकते इसमें, देखेंगे बम्पर वगैरह लग सकते हो तो हम लगवाएंगे, नहीं लगेंगे तो नहीं लगवाएंगे। और रेसिंग गाड़ी खड़ी है, उसका बंदा ही खड़ी करते हैं। बाइट सही है, इसको बाइट दिखानी है, वहाँ पीछे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी। वैसे गाड़ी है अच्छी, मैं यहाँ चलता कि मैंने एक गाड़ी से अगली मॉडल भी देखी थी, होंडा सिविक रिवर्स टाइप आर, वो भी अच्छी थी। उसके बाद सिविक एक्स भी देखी टाइप आर, पर मुझे इसकी लुक अच्छी लगी थी, मेरे वो भी रिबोन ही कहते हैं, मैंने रिबोन लेनी रिबोन। जिमी ओ जिमी किधर है, घर में कोई भी नहीं है। ओ जिमी जी ऊपर गेम ही खेल रहा होगा। जिमी पापा, आ जा तेरी गाड़ी आ गई है, अच्छा मामा मैं अभी आया। आ जा जल्दी आ जा, जल्दी आ पा के कपड़े चेंज कर लिए। नहीं जी पापा, मैंने कर लिया वैसे ही। वो देख तेरी गाड़ी खड़ी, ओए किधर मार गया ओ पापा जी, मेरी नहीं खड़ी, ओ बल्ले बल्ले। देख ले किस तरह की, ये इस तरह की चाहिए थी ना तुझे,
जी जी पापा, मुझे इस रंग की चाहिए तो पड़ी है, इस पर लिविंग वगैरह कैसे हुई पड़ी है रंग वगैरह, मुझे नहीं पसंद आई। और ये बेवकूफ़, ये ख़त्म हो जाएगा, ये नीचे देख ले लाल कलर ही है। आ जल्दी बैठ, आ जल्दी जल्दी बैठ, इसके यहाँ थोड़ी टेस्ट ड्राइव लेने चलते हैं। जी जी पापा, मैं इसकी मॉडिफिकेशन भी कराऊंगा, मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, मैं इसको नीचे टकरूंगा जमीन के साथ, मजे आएंगे। हाँ ऐसा ना करें, नीचे गाड़ी को आग लग गई ना तो टू भी फट जाएगी। पापा कुछ नहीं होता, मॉडिफिकेशन करानी चाहिए गाड़ी को, पाकी गाड़ी। यार कुछ मॉडिफिकेशन लीगल भी होती है, ना करवाया करो। पापा कह रहे आप बोलते रहते हैं, हमें क्या टेंशन है, मैंने तो मॉडिफिकेशन करवानी है। चल ठीक है भाई, तू करवानी, वैसे गाड़ी चेक कर ले, पिक वगैरह कैसी है, गाड़ी भागने में भी अच्छी है। जी, पापा बिल्कुल गाड़ी साफ अच्छी है, मुझे भी पसंद आई है, मेरा दिल है मैं इसको सेल करके होंडा सिविक एक्स ले लूं। सिविक एक्स ले नहीं थे, मुझे पहले बताता मैं सिविक एक्स ले आता। पापा जी वो यहाँ से नहीं मिलेगी, इंपोर्ट करानी पड़ती है। मैं कह रहा था टाइप पर ले आता। टाइप पर मुझे नहीं इतनी पसंद है, मुझे साथ ही पसंद है, एक रिपोर्ट रखूँगा एक सिविक रखूँगा। ये देखो आप इतनी महंगी महंगी गाड़ी चला रहे हैं, मुझे इतनी सस्ती लेके दी है। तेरी उम्र भी देखना, 17 साल का है। अब मैंने भी सारी गाड़ी लेनी है, मुझे भी लेके दो। दिमाग सही है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है मैंने जो ली है। पापा आपके तो मजे हैं, जैसे मर्जी पैसे खर्चे, मैं तो रिपोर्ट ही चला रहा हूँ 20 लाख रुपए की। रुको हो ना भैया ना, आ जाए इधर, वो ट्रेसी गाड़ी को उसको ठुड्डे मारते हैं, इसको भी बेचनी है, इसको भी बेचनी है, इसको भी नई गाड़ी ले लेनी। क्या हर किसी को नई गाड़ी ले जरूरत है। कौन सा नंबर पर लगवाना है इसमें, जिमी? जी जी मामा, जिमी कहीं लगवाने मैंने। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू, टाटा।